श्री कृष्ण लीला में जो गोपी तत्व है, श्री राम जी की लीला में वही भरत तत्व है। भरत जी प्रेम तत्व हैं। और विचारिएगा, जीवन हर चीज के बिना चल जाएगा, कम पैसे में भी गुजारा हो जाएगा, छोटे घर में भी गुजारा हो जाएगा, कम साधनों में भी गुजारा हो जाएगा, पर अगर जीवन में प्रेम का अभाव हो, आत्मीयता का अभाव हो, तो जीवन बोझिल हो जाता है। संसार में सुनते हैं ना, वो आत्महत्या कर ली, वो जल गए, वो डूब गए, वो लटक गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, घर घर में डिप्रेशन की बीमारी फैल रही है। इन सब के पीछे मूल में क्या है? उस व्यक्ति के भीतर ये हीन भावना पैदा हो जाती है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहता, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरा अपना कोई नहीं है, मुझे प्यार कोई नहीं करता। और यही नकारात्मक भाव जब गहरे होते चले जाते हैं, इतने गहरे, अधिक गहरे हो जाते हैं, तो मृत्यु तक पहुंचा देते हैं नकारात्मक भाव। इतनी निराशा बढ़ जाती है कि इस अमूल्य शरीर को भी व्यक्ति नष्ट करने पे उतारू हो जाता है। प्रेम की आशा पूरी नहीं होती। पर गोस्वामी जी कहते हैं, संसार में प्रेम की आशा पूरी हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम पिया, केवल श्री राम है। प्रेम की पिपासा कहीं और शांत हो नहीं सकती। जान लेहु जो जान निहारा। तो श्री भरत जी विश्व का भरण पोषण करने वाले कैसे हैं? महाविष्णु के रूप में सबको अन्न धन जल देते हैं तो ठीक बात है, लेकिन श्री राम लीला के प्रेम तत्व भरत जी हैं। वो किस अर्थ में भरण पोषण करते हैं? अर्थात जो भी श्री राम की शरण में आता है, श्री राम के नाम का आश्रय लेता है, रघुनाथ के चरणों का आश्रय लेता है, तो भरत तत्व उसके जीवन में राम प्रेम परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस अर्थ में भरत जी विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। वे सारे जगत को राम प्रेम प्रदान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सब तो श्री राम का नाम जपते हैं, लेकिन एकमात्र भरत जी ऐसे हैं जिनका नाम स्वयं श्री राम जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम, राम जप जे। तो वो भरत विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई।